आईटीआई खरखौदा में सीएम फ्लाइंग की रेड। खरखौदा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में फ्लाइंग ने आईटीआई के रिकॉर्ड को खंगाला, जिसमें आईटीआई में प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए बजट के बारे के साथ ही यहां पर तैनात किए गए स्टाफ व विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की जांच की गई। सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा आईटीआई के रिकॉर्ड को जांचने के बाद आईटीआई के रिकॉर्ड में से जरूरी रिकॉर्ड को अपने पास दर्ज किया है, जिसमें यहां पर प्रयोग में लाए जा रहे उपकरणों, मशीनरी के साथ ही यहां पर आवश्यक मशीनरी व उपकरणों का ब्यौरा मुख्यालय को भेजा गया और मशीनरी की डिमांड सहित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब तक दी गई छात्रवृत्ति के साथ ही भविष्य में दी जाने वाली छात्रवृत्ति के रिकॉर्ड की जांच की गई। आने वाले समय में विद्यार्थियों द्वारा आवेदन की गई छात्रवृत्ति के रिकॉर्ड सहित अन्य रिकॉर्ड को सीएम फ्लाइंग की टीम ने जांच के बाद रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, इंस्पेक्टर श्रवण कुमार, मुख्य सिपाही राजेश मौजूद रहे। वहीं आईटीआई प्रिंसिपल संदीप कुमार ने बताया कि आज आईटीआई खरखौदा में सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि 65 के स्टाफ में से 34 कर्मचारी संस्थान में हाजिर है, जबकि 25 का स्टाफ विभिन्न गतिविधियों के लिए ऑन रिकॉर्ड सरकारी काम से बाहर गया है। वहीं 6 कर्मचारी गैरहाजिर भी मिले हैं, जिनके बारे में पहले से ही आला अधिकारियों को बता दिया गया था। उन्होंने यहाँ पे उचित एक्शन किया था हमारी आईटीआई में, जिसमें से उन्होंने हमारे से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, जैसे कि अटेंडेंस चेक की। अटेंडेंस में उन्होंने हमारे से पूछा कि आपकी सेंक्शंस पोस्ट कितनी है, हमने बताया कि 85 है, उसके अगेंस्ट फिर पोस्ट कितनी है 65 है। फिर उन्होंने पूछा हमारे से कि कितने अध्यापक या स्टाफ हमारा अब्सेंट है, जिनमें से हमने बताया कि 3 अब्सेंट है, जिनमें से 2 तो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टाइम से अब्सेंट है और 1 हमारा आउटसोर्स का एम्प्लॉई है, उनको महीने में एक छुट्टी मिलती है, आज वो आया नहीं तो वो भी अब्सेंट, यानी कि 3 होंगे टोटल। फिर उसके बाद उन्होंने पूछी कि लीव पे कितने, लीव पे हमारे 4 स्टाफ हमारे लीव पे है। कुछ स्टाफ की हमारी ड्यूटी जो फेयरवेल में सोनीपत लगी हुई है, जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला उसमें लगी हुई है, कुछ स्टाफ की ड्यूटी हमारी इलेक्शन ऑफिस में लगी हुई है और कुछ स्टाफ हमारा DST में गया हुआ है, कुछ स्टाफ हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो विभाग ने हमारे पारी दिया हुआ है वहाँ पे गया हुआ है। हमारा पूरे स्टाफ का जब रिपोर्ट चेक किया तो उसमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं मिली जो कि हमारे खिलाफ थी। सर, जो एक बजट की बात थी, कुल कितना बजट यहाँ पे आया था, कितना खर्च किया, कितना बचा हुआ, ऐसे भी कुछ सर बजट के लिए हमारे से उन्होंने बात की थी, पूरा बजट चेक किया गया, उसमें से जैसे कि उन्होंने कुछ लोगों की चेक की भी हैं अपनी जनरेटर की, वो भी हमारे से ही पाई गई। 27,000 रुपये का एक बजट था, उसके लिए बात की कि मिशलेनियस बजट ये कौन सा बजट है और कहाँ पर यूटिलाइज किया, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो पास आउट हो जाते हैं, जो पासपोर्ट बनवाते हैं, तो सरकार ने हमारे बच्चों को एक फैसिलिटी दी हुई, जो बच्चा पासपोर्ट बनाएगा उसको हम रिम्बर्स करेंगे, उसके अकाउंट में जाएगा सर। और जो बजट का था उसमें भी ऐसा कुछ मिशलेनियस में या किसी में भी कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। सर, अपने आईटीआई में कुल कितने स्टूडेंट हैं? सर, हमारी आईटीआई में मोर देन 700 स्टूडेंट्स की सेंक्शन सीटें, जिनमें से 652 का एडमिशन हुआ था सर, और ये बच्चे हमारे सर। सर, अब जो सीएम फ्लाइंग आई थी, क्या कुछ निर्देश देखे गए हैं? सर, सीएम फ्लाइंग ने हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट बताया कि जो हमारे CCTV कैमरे हैं उनमें से 8 में से 2 वर्किंग में नहीं थे सर। उनका भी कारण यह था कि कुछ यहाँ पे मतलब डस्ट वोट लगा लो या मतलब चूहने मतलब दो खा मतलब लेकिन वो कर देगा उनको मतलब हमने रिपेयर करवा। जो स्टाफ अब्सेंट है जी, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई बनती है? सर, जो स्टाफ अब्सेंट है ना, वो रेगुलर अब्सेंट है, मगर लंबे टाइम से अब्सेंट है, उसकी हमने विभाग को लिखी हुई है और विभाग जो भी डायरेक्शन हमारे को देगा उस हिसाब से। आपका शुभ नाम? सर, संदीप कुमार। सर, टोटल कितना स्टाफ और कितना अभी बाहर फिलहाल आज? सर, टोटल हमारा सेंक्शन सीट जैसे मैंने आपको बताई 85 है, उसके अगेंस्ट में 65 है और 24 हमारे आज बाहर अलग अलग कार्यों के लिए बाहर है। सरकारी कार्य अभी? सरकारी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।